रहा हूँ कि ये जो समय है ये बिल्कुल मर के पढ़ने का समय है। यदि आपका 8 जनवरी को पेपर है तो आपको 4 जनवरी से पढ़ाई बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपटीशन है आपका, एकेडमिक नहीं है कि आप लास्ट डेट तक पढ़ते रहो। लास्ट डेट पे नहीं पढ़ा जाता, इसमें 4-4 दिन एक एक हफ्ते पहले पढ़ाई बंद कर दी जाती है, 1 हफ्ते पहले लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, 4 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी जाती है। और अपने ऊपर कॉम्पिटेंस रखते हुए घर वालों के साथ समय बिताओ, अच्छी चीजें देखो, ठीक है, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे एग्जाम हॉल में। क्योंकि हर एक सही आंसर के बाद आपको घबराहट होगी कि हम अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, वर्दी जैसी फीलिंग आएगी आपको। उस घबराहट से बचने के लिए आपको जरूरी है कि अंतिम दिनों में बिल्कुल ना पढ़ा जाए। इतनी बात आ गई, मेरे पास जो पावर है मैं उसका यूज कर रहा हूं। मैं आपसे ऐसा बैचेस के फीस नहीं ले रहा हूं, आप किसी भी एक बैच की फीस देकर कितने भी बैच में बैठ सकते हैं। लगभग 3 टाइम पर कोचिंग लग रही, 5 टाइम लग रही, किसी भी बैच में से बैठ सकते हैं आप, 4-5 बैचेस लग रहे हैं, ठीक। तो इस बार और कसर नहीं रहना चाहिए। जिस हिसाब से नौकरियों का जो दायरा है वो घट रहा है और जनसंख्या जो है दावेदार बढ़ रहे हैं, और ये दुनिया में हमेशा होता रहा, नौकरियां घटी हैं और जनसंख्या बढ़ी है। आपसे कहते हैं ना, कलावर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले हैं, तुमसे बेहतर करने वाले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। दौड़ देखे होगे तुम, देखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले दिनों क्या किया। जिस दिन आपकी प्रतियोगिता थी उस दिन आपने क्या किया, अब तक आप क्या करते रहे, कितना क्या आता है, उससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपकी प्रतियोगिता है उस दिन रेवन तक कौन पहुंचा वो सिलेक्ट होता है, क्लियर है। तो अभी भी मन के हारे हारे, मन के जीते जी, अभी भी सब छोड़ छाड़ के बिल्कुल लग जाओ तन मन धन से, क्लियर है। उस समय बाद मैं आपकी टेस्ट सीरीज भी कराने लग रहा होगा। सुबह 10:30 बजे लॉग इन करना होगा, 10:30 से लगभग 12-1 बजे तक टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आपकी 1-2 घंटे का ब्रेक, और फिर 3:30 से फिर क्लास, और 6:30 पर छुट्टी। इस तरह की क्लासेस लगेंगी आने वाले समय में। बिल्कुल कमर कस लो ना, तो मैंने तुम्हारे कारण संविदा वर्ग 3 का यकीन मानो कर 5 कॉल आए थे, और ना ही मैंने ग्रेड का कोई ऐसा बैच चालू किया है जिसमें मैं आपका कहते ना प्यार किसी और से बांट सकूं। मैंने पूरा फोकस रखा है एमपी पुलिस वाले बच्चों का। तो तरीके से पढ़ो, जो भी मदद है खुलकर मांगो, किसी भी तरह की जरूरत है वो बताओ, और तैयारी करो। ये करो या मरो की स्थिति है।